आप देख रहे हैं TNB। हिंदी जो हमारा शब्द है वो हिंदी हिंदुस्तान की नाम से, भारत के नाम से थी, और हिंदी से अच्छी भाषा कोई हो ही नहीं सकती। हिंदी में कुछ युवा जागरूक हो रहे हैं आजकल, जैसे कि आज बढ़ावा भी दे रहे हैं हिंदी दिवस को, जैसे कि शेयर चैट पे हिंदी में लिखना, फेसबुक पे हिंदी में लिखना, तो कुछ चीज़ें हिंदी में जो इमोशंस जुड़े होते हैं ना वो इंग्लिश में नहीं आता है। ये हिंदी तो ऐसे हमारी मातृभाषा है, वो तो बचपन से हम लोग बोलते आ रहे, घर में बाहर कहीं भी। हमारी समझ में तो हिंदी और इंग्लिश बराबर सही है, लेकिन कुछ नई जो पीढ़ी है वो थोड़ा इंग्लिश के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है। हिंदी से दूर भागना कोई वो नहीं है, सांस्कृतिक है हमारी, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदू हूँ मैं, वतन मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज यानी 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और 1949 में इसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था, लेकिन हिंदी को अपना सफ़र तय करने से पहले काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसको लेकर कई सारे विवाद उठे थे। कई लोगों को ये मंजूर ही नहीं था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि भारत में जो है कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, और ऐसे में हिंदी को इतना ज़्यादा महत्व देने के बाद पर कई सारे सवाल उठाए गए थे, कई सारी बातें हुई थी, लेकिन आखिरकार जो है हिंदी भाषा ने अपना रास्ता बना ही लिया। लेकिन इसके बावजूद आज के वक्त में लोग हिंदी से जो है दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के वक्त ज़्यादा तवज्जो जो है वो इंग्लिश भाषा को, इसके साथ ही अलग अलग भाषाओं को दी जाती है। अलग भाषाओं के लिए कोर्स रखा गया है, लेकिन हिंदी के लिए ऐसा कोई भी फिक्स कोर्स नहीं रखा गया है। आज के वक्त में जब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला है, तो ऐसे में वक्त के साथ जो है हिंदी भाषा जो है धीरे धीरे करके कम होती हुई जा रही है, और लोग जो है दूसरी भाषाओं की तरफ अपने रुझान दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आज हिंदी दिवस के तौर पर आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के दिन पे उनका क्या कहना है, कि क्या सच में हिंदी भाषा का अस्तित्व आने वाले वक्त में खतरे में है। क्या सच में जिस तरीके से अभी लोग हिंदी छोड़कर अलग अलग भाषाओं की तरफ रुझान दिखा रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में हिंदी का महत्व कम होता हुआ नज़र आएगा, तो उस पर लोग क्या कहेंगे, तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज हिंदी दिवस है अंकल, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी के वक्त में लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, हिंदी को नहीं बोलना चाहते इतना, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नहीं, कारण हमारी समझ में तो हिंदी और इंग्लिश बराबर सही है, लेकिन कुछ नई जो पीढ़ी है वो थोड़ा इंग्लिश के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि वो शायद जॉब की वजह से करते हों या जो भी हो, हमारे लिए तो हिंदी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में जैसे होता है कि कई लोगों का ये भी कहना है कि इंग्लिश बोलने से ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इस मापदंड पर आप क्या कहेंगे कि क्या सच में इंग्लिश जो लोग बोलते हैं वो क्या ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और हिंदी बोलने वाले जो है पढ़े लिखे नहीं होते? नहीं, ऐसा तो नहीं, हिंदी वाले भी नॉलेज वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी पता नहीं जॉब की वजह से शायद इंग्लिश की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। तो अच्छा, ये जो जॉब में इंटरव्यू लेते हैं इंग्लिश में, तो आपको नहीं लगता कि उसको हिंदी में भी लेना चाहिए, कि हर वक्त इंग्लिश ही ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, ये तो चेंज ऊपर से ही हिंदी में करना चाहिए, तभी बच्चे अपने आप हिंदी की तरफ आकर्षित होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ उनका रुझान हो रहा है, या फिर बहुत सारे और भी लैंग्वेज है, लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, बाहर की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई हिंदी पे इतना जोर नहीं देता, कोई हिंदी इतना नहीं सीखना चाहता, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक कारण जॉब का ही है, रोज़गार का। बाहर बहुत से बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं दूसरी भाषा सीख के, इसीलिए दूसरी भाषा सीखते हैं, थोड़ा रोज़गार की समस्या की वजह से है। वैसे तो हिंदी अच्छा है, सबसे समृद्ध भाषा है हिंदी। अच्छा, आज हिंदी दिवस है, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं और हिंदी से दूर भागते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हिंदी तो ऐसे हमारी मातृभाषा है, वो तो बचपन से हम लोग बोलते आ रहे, घर में बाहर कहीं भी। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेट करना है, किसी से समझाना हो, तो आप हिंदी के थ्रू ही समझा सकते हैं, उसे आज समझने में भी आसानी होती है, समझाने में भी आसानी। इंग्लिश जो है आजकल के रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर शो ऑफ का टाइम हो गया कि हम, मुझे इंग्लिश बोलने आता है, मैं अच्छा इंग्लिश बोल देता हूँ, और उसको ज़्यादा लोग ये देते हैं, तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग शो ऑफ के चलते आई इसके चलते इंग्लिश बोलते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा, हिंदी को तो छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो आता है, जैसे कई लोग जो है इंग्लिश के ऊपर बेस करके ये मापदंड डालते हैं कि कौन इंसान कितना पढ़ा लिखा है, तो क्या सच में जिसको इंग्लिश आती है वही पढ़ा लिखा इंसान होता है? जी बिल्कुल नहीं,
ज़्यादातर लोग देखिए हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं फिर भी अच्छे मुकाम पर अच्छा कर रहे हैं। इंग्लिश बोलने वालों को इसलिए माना जाता है कि हाँ मैं एजुकेटेड हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप भारत के किसी भी राज्य चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भले कोई लैंग्वेज कंपलसरी हो या ना हो, इंग्लिश आना कंपलसरी होता है कि भी इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं, हाँ साउथ में आप जाइएगा तो वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है, लेकिन बाकी सारे स्टेट में जाएगा तो सभी जगह हिंदी समझते हैं। तो ऐसे में एक बात बताइए कि जैसे बहुत सारे लैंग्वेज है, स्पेनिश हो गया, चाइनीज़ हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो इन सबको सिखाने के लिए कोर्स होता है, लेकिन हिंदी के लिए कोई प्रॉपर ऐसा कोर्स नहीं बनाया जाता है कि आप हिंदी सीखिए, हिंदी का एक कोर्स है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लोगों का रुझान बाहर के देश के लैंग्वेजों में है या इंग्लिश की तरफ जिस तरीके से रुझान है, तो आने वाले वक्त में हिंदी जो भाषा है उसका अस्तित्व खतरे में? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं है, क्योंकि आप बाहर कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, नॉर्मली तो आप हिंदी ही बोलिएगा, किसी भी दुकान पर चले जाइए आप तो उसे हिंदी में ही बोलिएगा, तो हिंदी सिखाने के, हिंदी को तो ऐसे ही लोगों को जो इंडिया में रहे उनको तो हिंदी ऐसे ही आती है, तो हिंदी की क्या कोई कोर्स करना है, लेकिन हाँ जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे उनको थोड़ी इशू आती है इंग्लिश हिंदी बोलने की, तो माँ बाप को थोड़ा ये करना चाहिए कि हिंदी बोलो, अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे घर में होता है कि बाहर हिंदी बोले लेकिन घर में हम भोजपुरी में बात करते हैं, तो अपना जो लैंग्वेज है वो आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। मुझे हिंदी आती है, अगले आदमी को अगर हिंदी नहीं आती तो वो मेरी बात नहीं समझेगा, तो इसलिए हिंदी की, हाँ वो आपकी बात सही है, हिंदी की तो क्लासेस वो माँ बाप को अपने बच्चों को ये करना चाहिए। अच्छा आज हिंदी दिवस है, लेकिन आज के वक्त में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी भाषा से दूर भागते हुए और इंग्लिश को ज़्यादा अपनाते हुए नज़र आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हिंदी से दूर भागना कोई वो नहीं है, सांस्कृतिक है हमारी, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदी के बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी ये सांस्कृतिक भाषा है, पारंपरिक भाषा है। लोगों का जो रुझान है शहरों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं, क्योंकि जो कंपनियाँ होती हैं कहीं पर भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो हिंदी में वो एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं, तो उसके लिए लोग इंग्लिश के पीछे ज़्यादा वो करते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं और उसके प्रति हो जाते हैं, तो यहाँ पे शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में जैसे इंटरव्यू भी होता है तो उसमें इंग्लिश होता है, कई और जगह पे भी जाइएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसको कंपलसरी रखा जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि इंसान जो लोग हैं उन्हें हिंदी भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे लोग जो है चाइनीज़ लैंग्वेज कहिए, फ्रेंच लैंग्वेज कहिए, स्पेनिश कहिए, सबके लिए कोर्स होता है लेकिन प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स नहीं है, है ना? तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हिंदी जो है वो कहीं छूटता हुआ जा रहा है? जी बिल्कुल छूटता हुआ जा रहा है, लेकिन हिंदी के लिए ये होना चाहिए, सिखाने के लिए कहीं पे भी क्लासेस होती हो या कोचिंग सेंटर्स होते हों, ऐसा कुछ है नहीं हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी को लोग होते हैं कि बचपन से उन्हें मातृ में ही सिखाया जाता है, उनके जो परिवार होते हैं उन्हीं से वो सीखने को मिल जाती है, लेकिन आगे चल के जो लोगों की परिस्थिति बन जाती है उसके अनुकूल वो इंग्लिश के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि जो आने वाला समय होता है कि उसी पे डिपेंड हो जाता है, तो इसके लिए लोगों का रुझान जो है इंग्लिश पे ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त लोगों का रुझान ज़्यादा इंग्लिश की तरफ है, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदी लैंग्वेज को जो उसका अस्तित्व है उसको खतरा हो सकता है? बिल्कुल श्योर। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें जो मातृभाषा है हिंदी, हमें उसको साथ में लेकर चलते हुए जो परिस्थिति है उसको भी साथ में लेकर दोनों को कॉम्बिनेट करके चलना चाहिए। अच्छा आज हिंदी दिवस है, लेकिन आज के वक्त में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो युवा है वो इंग्लिश जो भाषा है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हुए आ रहे हैं नज़र, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश का बिल्कुल ही ये जो तब से अंग्रेजी चालू हुई और देश विदेश तक लोगों ने इसको ज़्यादा लाइक किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र विशाल भारत होते हुए पूर्ण हिंदू का और हिंदी का दोनों का दुरुपयोग हमारे भारत से कर दिया गया, जिसमें सर में जितने बाल उतने आड़नाम बनाने वाले मिल गए, और मेरे हिंदुत्व का, मेरे हिंदुस्तान का, मेरे भारत का हिंदी को पूर्ण रूप न देते हुए अन्य भाषाओं में गुमराह कर दिया गया, जिससे आज हमारा नवयुवक काफ़ी परेशान है और लोग हिंदी पे, हिंदी जो हमारा शब्द है वो हिंदी हिंदुस्तान की नाम से, भारत के नाम से थी, और हिंदी से अच्छी भाषा कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदी में कुछ छुपता ही नहीं है, सीधा अच्छा। जितनी भी हमारी फिल्में बनी हैं, गाने बने हैं, सत्संग बना है, ओल्ड जितनी भी फिल्में हैं सब हिंदी में, सबको लोग लाइक करते हैं, और हिंदी से अच्छा हमें कोई भाषा नहीं लगती। इंग्लिश में
हर आदमी इतना परफेक्ट नहीं होता जो उसको बोल पाए, समझ पाए और उस पर चल पाए। तो ऐसे में एक बात बताइए, जैसे अलग अलग भाषाओं के लिए आज के वक्त में कोर्स बनाए गए हैं, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई स्पेनिश करता है, कोई जर्मनी, लेकिन हिंदी भाषा के लिए जो एक प्रॉपर कोर्स बोलते हैं वो नहीं डाला गया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इससे जो हिंदी भाषा का अस्तित्व है वो खतरे में? हिंदी भाषा का अस्तित्व तो खतरे में, ये प्रजातंत्र भारत किया तभी से हो गया हमारा। हमारे सनातन को बिल्कुल इन्होंने धकेलते चले गए, बहुत पीछे चले गए। भगवान शिव के परिवार को भुला दिया, राम के परिवार को भुला दिया, कृष्ण के परिवार को भुला दिया, और आज उसके बाद में 5000 वर्ष में जितने रजवाड़े थे उनको भी सबको भुला दिया। लेकिन प्रजातंत्र भारत के 75 साल में जितने लोग विदेशी, फारसी, जितने लोग चुकते थे, उन लोगों ने हमारी हिंदी का और हमारे हिंदुत्व का कचरा कर दिया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता कि जैसे जैसे हमारी हिंदी ख़त्म होती जा रही है, वैसे ही हमारा हिंदुस्तान का, हमारे भारत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने वाला हो गया है। हर आदमी ये सोच नहीं सकता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमें गुमराह किया गया है। आओ हम जागें और जनता को बताएं कि हिंदी से अच्छी भाषा कोई संसार की भाषा हो ही नहीं सकती भारत में। अच्छा, आज जो है हिंदी दिवस है, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप देखेंगे तो जो युवा है वो ज़्यादा इंग्लिश और अगर जो अदर भाषाएं हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा है और हिंदी जो है वो छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल इंग्लिश का जो बाहरी है सेकेंड लैंग्वेज है, बट उसको फर्स्ट लैंग्वेज समझा जा रहा है। जो हमारी किताब में भी या शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज बताया गया, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग फर्स्ट लैंग्वेज में मान रहे हैं आज। तो ऐसा ही अगर रहा तो वो आगे आते आते हमारा क्या हो जाएगा कि देश इंग्लिश की तरफ बढ़ने लगेगा और अपनी सभ्यता जो संस्कृति है उसको भूल जाएगा। पर अगर हिंदी में कुछ युवा जागरूक हो रहे हैं आजकल, जैसे कि आज बढ़ावा भी दे रहे हैं हिंदी दिवस को, जैसे कि शेयर चैट पे हिंदी में लिखना, फेसबुक पे हिंदी में लिखना, तो कुछ चीज़ें हिंदी में जो इमोशंस जुड़े होते हैं ना वो इंग्लिश में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी में जो हमारे इमोशंस है, फीलिंग है, वो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं जो इंग्लिश में नहीं कर पाते, क्योंकि वी आर द इंडियंस यूज़ हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, अगर आप उसको ना बोले, क्योंकि ये हमारी पिछली सभ्यता है और बहुत सालों से, हजारों सालों से चली आ रही सभ्यता हिंदी जो है, और आज भी प्रॉपर हिंदी नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं भी कई भाषाएं जानता हूँ, मैं लिखता भी पोएट्री लिखता हूँ, तो मैं भी कई भाषाएं जानता हूँ। इसमें क्या है कि हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं बोली जा रही, मिक्स मिलावट, उर्दू मिक्स हिंदी है, देन जो नॉर्मल एक संस्कृतिक हिंदी थी वो नहीं बोली जा रही है। और एक आज बहुत ज़्यादा, आज हम कहते पहले क्षमा कीजिए कहते थे, आज सॉरी तुरंत निकलता है, फील ऑफ द सॉरी निकल जाता है एंड थैंक यू, देन हिंदी एक क्षमा कीजिए वो इतना अच्छा नहीं लगता, बट उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना लिया लोगों ने। ऐसे में जैसे बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कि कई लोगों का ये भी मानना होता है कि किसी को इंग्लिश आता है तो ज़्यादा पढ़े लिखे है, और जो हिंदी है हिंदी वाले को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी, जैसे एक कबीरदास का दोहा है, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान, तो तलवार का मोहर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। IAS के भी इंटरव्यूज़ में है, बहुत सारे ऐसे IAS हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, बट वो IAS है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश आती है, बट वो कर्तव्य अपना पूरा करते हैं, ना कि लैंग्वेज पे मेन चीज़, ये मैं कहना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि IAS है ऐसे मेरे जानने में भी है जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, लेकिन वो IAS है। तो जैसे कि आपने सुना कि कई लोगों का ये मानना है कि जो हिंदी भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भाषा है, लेकिन आज के वक्त में ज़्यादातर लोगों के ऊपर, युवाओं के ऊपर नौकरी का इतना ज़्यादा प्रेशर है तो वो हिंदी छोड़ के इंग्लिश की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो आज के वक्त में कंपलसरी है, हर व्यक्ति को इंग्लिश आना चाहिए। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपने राष्ट्रभाषा जो है, जो हिंदी है, उसका ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा जो है वो उसमें बात कर सकता है। सिर्फ इंग्लिश करते ही इंग्लिश पर तवज्जो अगर देते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हिंदी का महत्व कम होता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि हिंदी भाषा तो कभी कम हो ही नहीं सकती है, हिंदी भाषा जो है विशाल एक स्तर पर है और हिंदी भाषा जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध भाषा है, तो ऐसे में हिंदी का महत्व कभी कम हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, आज के वक्त में युवा जो है, जो ज़्यादा जो हिंदी है उस भाषा में बात करते हैं तो उसे इतना तवज्जो नहीं देते हुए नज़र आता है, उनके हिसाब से जो इंग्लिश में बात करते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है। आज के वक्त में लोग जो एजुकेशन का भी मापदंड है वो भाषा से जोड़ने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी भाषा
जो है हिंदी, उस पर जो है फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस तरीके से इतने समृद्ध भाषा का एक पार्ट है। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।